हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बेसिकली तीन अपडेट्स और नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया वेबसाइट में जाना है, jmicoe.in। जब गूगल क्रोम में लिखेंगे तो आप इस पेज में आ जाएंगे और यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्क्रॉल कर रही है। इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सबसे पहला नोटिस अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे है, ये नोटिस कल का है। नोटिस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर यूजी पीजी ऑफलाइन एनुअल मोड या सेमेस्टर मोड कंट्रोल ऑफ एग्जाम वो सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करके सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए नोटिस बेसिकली उन लोगों के लिए जिन लोगों का भी एडमिशन डिस्टेंस में सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया अर्जुन सिंह में एडमिशन है उनके लिए, वो भी ये उनके लिए जो लोग ऑफलाइन मोड में हैं। देखिए कोर्सेज कौन कौन से हैं उसको पहले सबसे पहले तो हम लोग एग्जामिनेशन फॉर्म का देखते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म आपका 21 नवंबर से आया हुआ है, उसके बाद लास्ट डेट है 10 दिसंबर। इसके बाद फिर ये बताया जा रहा है कि फिर आपको मौका नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का, और आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे जो भी आपका एनुअल सेमेस्टर है। यहाँ पे कोर्सेज दिए हुए हैं एमकॉम, एएचआरएम है, एमए सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिन, हिंदी, एजुकेशन, एमबीए। उसके बाद हम लोग अगर बात करें यूजी कोर्सेज में बीए है पार्ट वन ओनली, बीबीए पार्ट वन ओनली एंड बीकॉम पार्ट वन ओनली। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेना है। शुरू कब है? 21 नवंबर को, लिंक मैं दे दूंगा आपको। और अगर लास्ट डेट की बात करें तो 10th ऑफ दिसंबर है, 10th ऑफ दिसंबर को लास्ट डेट है, तो ये आपको फॉर्म फिल कर लेना है। फिर वापस से चलते हैं हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया वेबसाइट में, और यहाँ पे दूसरा हमारे पास है नोटिस फॉर पीएचडी एडमिशन। जिन लोगों को भी पीएचडी में एडमिशन लेना है उसके लिए नोटिस आया हुआ था, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, डिटेल में सारी बातें किए थे। उसके बाद आपको अगर एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करना है तो एडमिशन सेक्शन में आप नीचे आएंगे, यहाँ पे पहला वाला लिंक है, क्लिक हियर फॉर अप्लाई एडमिशन इन पीएचडी एडमिशन फॉर द सेशन 2022-23, ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरी बात हम लोग करने वाले हैं बीएड डिस्टेंस के लिस्ट के बारे में। सब लोग पूछ रहे हैं कि बीएड डिस्टेंस मोड की सेकंड लिस्ट कब आएगी या वेटिंग लिस्ट कब आएगी। देखिए मैंने बात किया था जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कोर्स कोऑर्डिनेटर से, जो बीएड डिस्टेंस की कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, मैम से बात किया था। मैम ने यही कहा था कि भाई लिस्ट आ जाएगी 1-2 दिन 3 दिन में और लिस्ट आ जाएगी। उन्होंने कहा था कि 22 के बाद आप लोग लिस्ट बेसिकली चेक करना, तो लिस्ट 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी ही आपको, मुझे लगता है कि संडे से पहले ही, सैटरडे संडे से पहले ही देखने को मिलेगा 2-3 दिन में, या जो भी होगा कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन लिस्ट ज़रूर आएगी मेरे अंदाजे के हिसाब से। और उन्होंने भी कहा, मैम ने भी कहा कि लिस्ट आएगी आपके लिए, क्योंकि भाई सारे लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, 100% एडमिशन तो होता ही नहीं है, भले ही जितने लोगों का, कम से कम लोगों का सिलेक्शन हो लेकिन लिस्ट आएगी। तो ये तीन चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी था। सो दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।